गुड आफ्टरनून, वेलकम टू बीट द वॉलीटिलिटी। कल हम लोग आपके लिए वीडियो नहीं बना पाए, उसके लिए सॉरी। आज का मार्केट थोड़ा सा चॉपी मार्केट था, एक रेंज बाउंड मार्केट था। मार्केट में कुछ भी नहीं हो रहा है अभी, और आपका इंडिया विक्स फॉल कर रहा है। इंडिया विक्स फॉल करने का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम जाके इंडिया विक्स में अभी देखते हैं, इंडिया विक्स क्या कर रहा है, इंडिया विक्स फॉल हो रहा है। इंडिया विक्स जब भी फॉल होता है तो ये ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा होता है, और ऑप्शन सेलर को अच्छा खासा डीके मिलता है मार्केट में। इंडेक्स फॉल हो रहा है, इसका मतलब है मार्केट में फियर कम हो रहा है। तो अगर आप ठीक से देखोगे, जब से इलेक्शन आया, मतलब ख़त्म हुआ है, उसके बाद से इंडिया विक्स गिरा ही है, और हो सकता है ये गिरते गिरते अभी 13 से लेके 10 के बीच में आ जाए। तो जो भी ऑप्शंस में प्ले कर रहे हैं, अगर उनका डायरेक्शन सही होगा तो उनका प्रीमियम बढ़ेगा, और उनका अगर डायरेक्शन गलत होता है तो प्रीमियम अच्छा खासा डिके होगा। तो इसीलिए बहुत ध्यान से ऑप्शंस का ट्रेडिंग करें। निफ्टी का कल के लिए लेवल्स का बात करते हैं। अगर अभी आप देखोगे 5 तारीख के बाद से निफ्टी अगर क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है जो कल हाई बनाया था, ऑल टाइम हाई। अब हमको मार्केट को अगर प्ले करना है तो कल के लिए आप सिंपली मार्क कर सकते हो 23,400। 23,400 के ऊपर मार्केट निकलने लगे तो आप बाइंग पे रहेंगे, और नीचे के लिए सिंपल मार्केट आपको लेवल बना के दिया है 23,200। 23,200 के नीचे निकलने लग जाए तो आप सेलिंग में रहेंगे। हमेशा मैंने बताया, जब भी 200 मूविंग एवरेज तोड़ता है मार्केट में तो अच्छा खासा फॉल आता है। और अगर कल मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल के 22,334 को काट के ऊपर जाने लगे, और 20 और 50 के ऊपर है, तब आप इस पर बाइंग करके चल सकते हैं, ठीक है। तो कल के लिए ये लेवल और नीचे के लिए सिंपल इस लेवल पे आप ध्यान दें। ये तीनों ही लेवल इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर कोई भी प्ले करता है तो सिंपल बाइंग जोन और सेलिंग जोन को मार्क करके चले, तभी जाके मार्केट में पैसा बनेगा। बैंक निफ्टी अगर अपन देखते हैं तो बैंक निफ्टी में सिंपल आपको दिख रहा होगा, बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस लिया था सबसे पहले 51,117 के पास है। अभी तक वो प्राइस नहीं आया बैंक निफ्टी में। दूसरा, बैंक निफ्टी में अगर कल के लिए आप लेवल ड्रॉ करना चाहते हो तो सिंपल आपको लेवल दिख रहा है 49,900। 49,900 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलने लगे तब आप उसको 200 से 300 पॉइंट के लिए कैच कर सकते हो, और नीचे के लिए सिंपल 49,500 के नीचे निकलने लगे मार्केट, तब आप उस पर सेलिंग का कॉल ले सकते हो। यहाँ सेलिंग होगा, पुट ले सकते हैं अपन, या फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो। जब भी कॉल लो, पुट लो, कोई भी फ्यूचर ऑप्शंस लो, तो हमेशा स्टॉप लॉस को ध्यान रखो। क्यों? स्टॉप लॉस ध्यान रखने से आप रिस्क और रिवॉर्ड दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केट में आर आर, ठीक है। अब जब भी आप इंडेक्स में प्ले करते हैं तो आपको दो स्टॉक निफ्टी में अगर प्ले करते हो तो रिलायंस को देखना ज़रूरी है। रिलायंस अगर वन डे में अगर आप देखते हो तो वन डे में आपको रिलायंस दिखा क्या रहा है? वन डे में आपको रिलायंस दिखाएगा कि वो 3,000 के बाद से जो गिरा है, उसके बाद जो बाउंस बैक आया है रिलायंस में, वो आपको 3,000 के आसपास ही एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस यही है रिलायंस का, 29,987 का। तो अगर इसके ऊपर निकलने लग जाए तो आप 30-50 पॉइंट्स के लिए खेल सकते हैं, जो 3,030 है, ठीक है। और आज अगर रिलायंस आप देखोगे तो रिलायंस आज के दिन सिर्फ गिरा है। तो इसका मतलब जब वो गिर रहा है तो आपको पता है कि आपको अगर निफ्टी में ट्रेड बनाना है तो पुट का ट्रेड बनेगा। उसी तरीके से एच डी एफ सी में वन डे में अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई जो मतलब है, अभी बहुत दूर है, लेकिन 1600 का एक अपसाइड टारगेट दिख रहा है, जो कि हो सकता है जल्दी ही आ जाए। तो अगर आपको HDFC को प्ले करना है तो 1575 के ऊपर निकलने लग जाए तो आप 1600 के लिए उसको प्ले कर सकते हो। अगर 5 मिनट में भी आप
बैंक निफ्टी को देखते हो तो बैंक निफ्टी भी आज वीक ही दिख रहा है आपको। एक बार बीच में ऊपर जाने की कोशिश की थी लेकिन वापस नीचे आ गया, ठीक है। अब आप देखिए एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक, ठीक है। तो एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक में अगर आप देखते हो तो आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक तो गिरा ही है, आईसीआईसी बैंक भी आज अच्छा खासा गिरा है, तो दोनों में कहीं ना कहीं प्रेशर अभी। लेकिन जो एक्सिस बैंक है और आपका आईसीआईसी बैंक है, एक अच्छा खासा सपोर्ट पास है, तो वहाँ से एक बाइंग आ सकती है। तो कल जब ओपन होगा तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे एक सपोर्ट बनता है कि नहीं, जो कि आपको सीधा सीधा आईसीआईसी एक्सिस बैंक में 1200 की तरफ लेके जाएगा और आईसीआईसी बैंक में 1160 की तरफ लेके जाएगा। कल के लिए दो स्टॉक्स जो आपको देखने हैं वो आपका है जीएमआर इंफ्रा। जीएमआर इंफ्रा आप स्विंग ट्रेड के लिए बाई करके चल सकते हो विद अ टारगेट ऑफ 100 का टारगेट आप इसमें लेके चल सकते हो जीएमआर इंफ्रा में। अगर अपन इसको देखें तो एक अच्छा खासा राउंड रेंज बाउंड चल रहा है, तो रेंज बाउंड जब भी ब्रेक करता है तो उतना ऊपर तो लेके जाता है मार्केट को, ठीक है। मान लीजिए रेंज बाउंड चल रहा है, अच्छा खासा रेंज बाउंड चल रहा है, तो अगर ये ऊपर ब्रेक करता है, ऊपर ब्रेक करता है आपको, तो यहाँ सीधा सीधा आपको 110 आ सकता है मार्केट में। और कल के लिए और एक स्टॉक आप जो देखना चाहते हो वो सन टीवी आप देख सकते हो। सन टीवी भी एक अच्छा खासा एक आप देखोगे ठीक से, तो ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर बना है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप बना है, जिसका मेरे को लगता है लेवल्स आ चुका है। यहाँ से अगर ठीक से आप उसको प्लॉट करते हो ऊपर के लिए तो ये आपका लेवल आएगा सन टीवी में जो 789 का है। तो कल के लिए आप 790 तक के लिए इसको प्ले कर सकते हो, ठीक है। आइए एक बार ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए, जो निफ्टी की एक्सपायरी 13 जून को है, पहला सबसे बड़ा हर्डल पॉइंट है 24,000 का। मार्केट अभी 23,261 पे है, तो उससे छोटा हर्डल है 23,500 पे। ऊपर ज़्यादा हर्डल्स नहीं है, मार्केट ऊपर तो इजीली नहीं जा पाएगा, लेकिन नीचे के लिए आप हर जगह सपोर्ट है 23,200, 23,300 पर अच्छा खासा स्ट्रैटल राइटिंग है। PCR रेशियो 0.90 और आपका बैंक निफ्टी अगर आप देखते हो, बैंक निफ्टी देखते हो, बैंक निफ्टी का कल ही एक्सपायरी है, 50,000 में सबसे बड़ा हर्डल है, और उसके बाद आपका सबसे बड़ा हर्डल आपको दिख रहा होगा 49,800 पास है, और नीचे के लिए 49,500 में अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। तो अगर आप सपोर्ट देखना चाहते हो 49,500 का, और रेजिस्टेंस देखना चाहते हो तो 50,000 का, तो जिस तरफ भी तोड़े तो 100-200 पॉइंट ईजिली आपको कैच कर दे। मैक्स पेन कल के लिए 49,700 का, तो अगर मार्केट एक्सपायर होगा तो अभी के हिसाब से 49,700 पे मार्केट कल एक्सपायर हो सकता है, ठीक है। आप को बताइएगा हमारी वीडियोस कैसी लग रही है, और कोई भी कमेंट हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि और क्या इम्प्रूवमेंट करें हम अपनी वीडियोस पे, जिसकी वजह से आपको बेनिफिट हो। और भी कोई कंटेंट आप चाहते हो कि IPO के बारे में या कोई न्यूज़ रेगुलर हम लोग को पोस्ट करना है, वो भी हम अपन पोस्ट करें।